बुधवार को भारतीय किसान यूनियन जिला और तहसील पदाधिकारियों की विशेष उपस्थिति और यूनियन की युवा विंग ग्राम जलवा के नेतृत्व में ग्राम जलवा कालू खेड़ी के विद्युत उपभोक्ताओं ने क्षेत्र में विद्युत विभाग की कार्यशैली से हो रही समस्याओं और गंभीर अनियमितताओं के चलते मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड संभाग उज्जैन के अधीक्षक मंत्री के नाम घटिया के विभाग यानी कि विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर वीरेंद्र कुमार रावत को एक ज्ञापन सौंपा। बार बार विद्युत अवरोध आदि अनेकों समस्याओं के विरुद्ध यह ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर तहसीलदार शिवराम कनासे भी मौजूद रहे। ग्राम कालूखेड़ी को छितरखेड़ी उपकेंद्र से जोड़े जाने, जलवा को सीधे वितरण केंद्र घटिया की लाइन से जोड़े जाने, टेबूखेड़ा धन्नाखेड़ी आदि गांव को जलवा फीडर से हटाने, लगभग 50 वर्ष पुरानी 11 KV अनुपयोगी ग्राम आबादी जलवा के ऊपर से गुजरती लाइन को हटवाने जैसी मांग की गई। इस मौके पर कुंवर भगवान सिंह सोलंकी, जिला संगठन मंत्री, भारतीय किसान यूनियन जिला उज्जैन, जिला अध्यक्ष यतीश जाट, कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय पटेल, जिला महासचिव ईश्वर सिंह अंजना, संभागीय युवा अध्यक्ष सतीश शर्मा, जिला संगठन मंत्री कुंवर भगवान सिंह सोलंकी, तहसील अध्यक्ष संदीप अंजना, उपाध्यक्ष कमल सिंह सोलंकी, युवा विंग के सुशील व्यास, शिव प्रताप सिंह झाला, ओम रावल, अरुण व्यास, संतोष राठौर, चरण जाट, फूल सिंह, भूपेंद्र बिहारी बैरागी, राहुल डीजे, लोकेंद्र सिंह, कमल चौधरी, राजेश गुजराती, महेश, विकास प्रजापत, नारायण चौधरी, सोहन सिंह तथा तहसील कार्यकारिणी से गणेश व्यास, संतोष व्यास, दरबार सिंह सोलंकी, मोहनलाल रावल, राम सिंह सोलंकी, सेठ गोकुलदास बैरागी आदि उपस्थित रहे। किसान यूनियन जलवा शाखा द्वारा दिए गए किसानों ने उनकी विभिन्न मांगे हैं। कुछ तो आपका फीटर वगैरह इधर से उधर करवाना है। 11 KV लाइन का जो जलवा के ऊपर से निकलता है उसको बदलने को उन्होंने अनुरोध किया है। और भी कई छोटी छोटी समस्याएं हैं तो उसको निर्देश कर दिया गया जो इनके लेवल की समस्या तत्काल निराकरण बाकी वरिष्ठ स्तर पर बात करके निराकरण करा। अभी विद्युत को लेकर के बड़े परेशान हैं। जंगल में हमें अभी लाइट की आवश्यकता नहीं है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रात रात भर लाइट बंद पड़ी रहती है। 4-4, 6-6 घंटे आती नहीं है। बच्चे, बूढ़े, बीमार विद्यार्थी सब परेशान होते हैं। मच्छर का प्रकोप है ग्रामीण क्षेत्र में वर्षाकाल होने के कारण। दूसरा, किसानों के बिजली के बिल जो घरेलू मीटर हैं उनका वाचन नियमित नहीं है। हज़ारों रुपये के बिल आ रहे हैं। आदमी बिल जमा तो करता है लेकिन अगले महीने पता लगता है उसे जितना जमा कर उससे दुगना का फिर बिल आ गया। तो ये कुछ अनियमितता है। हमारे गांवों को अन्य गांवों के साथ जोड़ रखा है जैसे धन्नाखेड़ी, टिबू, चक, खारचा, नाला, डाबरी इत्यादि। हम इन गांवों को हमारे साथ चाहते ही नहीं है। जलवा अलग कर दिया जाए, घटिया के साथ उसे जोड़ दिया जाए। कालूखेड़ी वितरण केंद्र जितनी के बिल्कुल नज़दीक का गांव है उसे वहां कर दिया जाए ताकि जलवा की ये जो विद्युत बार बार ट्रिपिंग की जो समस्या है और फॉल्ट की समस्या ये समाप्त हो जाए और पूरा क्षेत्र आराम से चैन की नींद पंखे और कूलर के हवा में सो सके। यही यूनियन की मांग है। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन आने वाले समय में फिर प्रशासन को सूचित करते हुए फिर चक्का जाम, धरना, प्रदर्शन जो भी करना होगा हम करेंगे। आज हमने शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया है। सबने अपनी बात सौहार्द के साथ रखी है। प्रशासन की ओर से भी, वितरण केंद्र के प्रभारी जी की ओर से भी हमें आश्वासन दिया गया है कि सारी समस्याएं का समाधान होगा। तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं हृदय से। तथा हमारे दो और मांगे हैं। हमारे यहाँ के जो मोहनलाल जी लाइनमैन हैं उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसे गांव में भेज दिया गया है जहां उनको जाना जाने की इच्छा नहीं। वहां पहले विवाद हो चुका उनके साथ में, वो वहां जाना ना चाहते। तो उनका ट्रांसफर रद्द कर दिया जाए, उनको उनकी इच्छा के अनुसार कहीं अन्य गांव में भेज दिया जाए बिछोड़ छोड़ करके। दूसरा, हमारे एक ताहिर भैया जो जलवा में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेचारे वर्षों से ईमानदारी के साथ सेवा दे रहे हैं उनके साथ ये अन्याय हो रहा है कि उनको आउटसोर्सिंग की सूची से बाहर ही कर दिया है। अब बेचारा गरीब आदमी खाएगा, कमाएगा, क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा। वो हमारे गांव में ईमानदारी से काम करता है, रात के 2 बजे अगर लाइन फॉल्ट होती है आकर के ठीक करता है। तो ऐसे गरीब को भी मतलब आउटसोर्सिंग की जो सूची है यहाँ संभागीय स्तर पर उसमें उनको नाम दर्ज किया जाए ताकि एक सम्मानजनक तनख्वाह उनको मिल सके। और ये सारी मांगे थी किसानों की समस्या, विद्युत की समस्याएं। हमने यहाँ प्रशासन के सामने विद्युत वितरण केंद्र के प्रभारी जी और अधीक्षक मंत्री महोदय के मांग को ज्ञापन के माध्यम से रखी है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा श्रीमान अधीक्षक मंत्री महोदय के नाम पर 13 बिंदुओं का मांग पत्र मुझे ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। उन बिंदुओं में जो मांगे हैं वो वितरण केंद्र स्तर की जो हैं वो यहाँ पर उसका निराकरण कर सकते हैं, वो हम कर लेंगे। और जो मांगे भविष्य अधिकारियों की है, कृषि कार्य की है, वहाँ पर उनको जाकर अवगत करा जाएगा, उनकी मांगों का निराकरण किया जाएगा।